नमस्कार दोस्तों, मैं मीना सिन्हा। मेरे YouTube चैनल मिंटू व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम आपको ले चलते हैं नगर नरहरपुर, जहां शिशु मंदिर के द्वारा गांधी चौक में गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रामायण गान का आयोजन किया गया है। गुरु पूर्णिमा की कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे। गुरु के बिना ना तो जीवन की सार्थकता है और ना ही ज्ञान की प्राप्ति संभव है। जिस तरह हमारी प्रथम गुरु माँ हमें जीवन देती है और सांसारिक मूल्यों से हमारा परिचय कराती है, ठीक उसी तरह ज्ञान और भगवान की प्राप्ति का मार्ग केवल एक गुरु ही दिखा सकता है। यानी कि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शायद यही वजह रही होगी कि गुरु पूजा की शुरुआत की गई। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों, महापुरुषों, माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। इजाजत हो अगर फिर तो जरा ताली बजा करो। इजाजत हो अगर फिर तो जरा ताली बजा करो। माता तम देवोभ्यो नमः, पितरं श्रेष्ठतमं देवोभ्यो नमो
श्री सद्गुरुआय नमो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। पढ़ाओ लिखाओ सुना गुना छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिवरा रंग मटासी और गुरुमटिया के मोटा हजोर गजब मिठाते बासी। साग में जैसे जिमी कांदा अमसुरा कड़ी है और उसने हम सब के भाखा, बड़ा सुखर छत्तीसगढ़ी है, बड़ा सुखर छत्तीसगढ़ी है। काबर छत्तीसगढ़ी हिंदी भारत माता की बिंदी है, हिंदी भारत माता के बिंदी है ता छत्तीसगढ़ी हमर भारत माता हमर दाई की हाँसी छिठोली है, हाँसी छिठोली है। तो आज हम कल्याण करे बर उपस्थित, गुरु पूर्णिमा बनाए बर उपस्थित सब बैठे हुए और वास्तव में एक से एक बात सुने बर मिली संभला कि गुरु बिना भव निधि नहीं तरी, गुरु जी के बिना ये संसार सागर से तरी नहीं जा सके, कि अटल सत्य है एला कोनो नहीं टाल सके। अब अतका सुंदर देखो हमर चेवरसी हमर लड़का योगांश जी बाबा कितना सुंदरतम ढंग से गुरु महिमा के वर्णन करी। सबरी की तरह गुहार करके देखो, द्रौपदी की तरह पुकार करके देखो, सबरी की तरह गुहार करके देखो, द्रौपदी की तरह पुकार करके देखो, आएंगे मेरे राम मन में विश्वास करके देखो, और मणि रूपी माला में हार बन के देखो, मणि रूपी माला में हार बन के देखो। निश्चित रूप से हमें विश्वास होनी चाहिए, अगर हम विश्वास करें तो जिस प्रकार माता सबरी ने अपने गुरु मतंग मुनि के कहे गए वचनों पर ही विश्वास किया और उसी के आधार पर उन्होंने भगवान का अगोरा किया, कहते हैं लगभग 1100 वर्षों तक भगवान की 1100 वर्षों तक वो भगवान का इंतजार करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमें इंतजार करने के लिए कहा जाए
मान लो कोई सगा कही कि मैं हर तुहार घर आवत हूं। कब एक दिन इंतजार करबो, तीन दिन इंतजार करबो, तीन चार दिन इंतजार करबो, और अगर नहीं आई तक तार तो नहीं आए। पर उसके गुरु ने कहा कि भगवान राम आएंगे। उन्होंने नहीं पूछा कि कब आएंगे, बस वो इंतजार करते रहे। वो भी इंतजार कैसे किए, वो बिल्कुल इस प्रकार से व्यवस्था बना के रखे कि आज ही आएंगे, और उस प्रकार से वो तैयारी में रहते। बढ़िया गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर करें। आपके कमेंट्स ही हमें प्रोत्साहित करती है ताकि हम और ही अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें।